चहल पहल और रौनक की ये तस्वीरें कुरुक्षेत्र में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की है। 17 से 24 दिसंबर तक चलने वाले इस महोत्सव में आकर्षण का केंद्र बन रहा है हरियाणा पवेलियन। यहाँ पर राज्य की पुरातन विरासत को दिखाया गया है, जिसमें लोक गीतों लोक कला के साथ महिलाओं की कलाओं का भी प्रदर्शन दिखाया जा रहा है, जिसमें दरियों की बुनाई के साथ साथ हाथ से बनी अन्य चीजों को भी लोगों को दिखाने के लिए प्रदर्शनी के तौर पर रखा गया है। इसके साथ ही हरियाणा पवेलियन निदेशक डॉक्टर महासिंह पुनिया ने बताया कि क्या क्या चीजें यहां पर आकर्षण के लिए लगाई गई हैं और युवाओं को किस तरह से संस्कृति से अवगत करवाया जा रहा है। हरियाणवी पवेलियन में सब कुछ खास ही खास है। यहां पर हरियाणा की हस्तकला वो खास है, पगड़ी बंधाओ फोटो खिंचाओ वो खास है, पूरा कुणबा आओ हवन में आहुति डाल के जाओ वो खास है, हरियाणवी चूरमा खाओ खीर के साथ वो भी खास है, जुलाहा खेस बुन रहा है वो भी खास है। और इसके साथ ही हमारे 10 से अधिक जो सेल्फी पॉइंट यहाँ पर हरियाणवी सेल्फी जो पॉइंट बनाए गए हैं वो भी खास है। इसके साथ ही हरियाणा की पुरातन विषय वस्तुओं की जो प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है वो भी खास है। यहाँ पर हरियाणवी चौपाल भी बनाई गई है वो भी खास है, और सबसे ज्यादा दर्शक यहाँ पर हैं वो भी खास है। इसके साथ ही हरियाणा पवेलियन निदेशक डॉक्टर महासिंह पुनिया ने बताया कि हरियाणा पवेलियन का एक ही उद्देश्य है कि प्रदेश की युवा पीढ़ी को प्रदेश की विरासत और संस्कृति के बारे में पता चल सके। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के UM सांस्कृतिक कार्यक्रम विभाग द्वारा जो ये हरियाणा हस्तशिल्प का जो पवेलियन स्थापित किया गया, केवल एक ही उद्देश्य है कि वर्तमान युवा पीढ़ी को अपनी संस्कृति से जोड़ना। और हमने धरोहर के माध्यम से संस्कृति को जोड़ा और अब हरियाणा पवेलियन जो है उसके माध्यम से संस्कृति को हम जोड़ रहे हैं, तो और युवा जो है सेल्फी के माध्यम से जुड़ रहे हैं और हरियाणा की जो लोक पारंपरिक जो चीजें हैं उनके साथ जोड़ रहे हैं। बता दें कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय पिछले कई सालों से निरंतर इस तरह के प्रयास कर रहा है, जिसमें पवेलियनों के माध्यम से युवाओं को राज्य की विरासत लोक संस्कृति और कला से अवगत करवाना प्राथमिकता में है। इस तरह के प्रयासों से जहां एक ओर युवाओं को अपनी प्रादेशिक विरासत का पता चलता है, तो वहीं दूसरी ओर गीता महोत्सव जैसे कार्यक्रमों की सहायता से अन्य राज्यों के लोगों तक भी अपनी संस्कृति की झलक पहुंचती है। सूर्या समाचार के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट।